हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकर ध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आंख की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझ वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ।